हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान भसीन एंड वेलकम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी। सो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं सारी इंटरेस्टिंग ही होती है। पहली बात तो जैसे मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम लोग ना वर्किंग क्लास है, तो जो भी आप 30 मिनट्स की वीडियो बनाते हो ना वो हम लोग देख नहीं पाते। तो देखिए, आपके पास एक चीज़ है जो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप स्पीड जो यूट्यूब वीडियो की जो स्पीड है आप उसे बढ़ा के 1.2x तक कर सकते हो कि मैं थोड़ा तेज आपको सुनाई देगा एंड वीडियो आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, अब मैं जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को एक एक चार्ट्स बना के दिखा रहा हूँ, उसके बिहाइंड की साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे बहुत सारे लोग मोटिवेटेड भी होते हैं एंड वो लोग कह रहे थे कि सर ये चीज़ हमें भी सीखनी है। तो गाइस, मैं हर YouTube वीडियोस पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कैसे, तो ये आपका सीखने का पार्ट है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाओ दोबारा सुनो कि मैंने कैसे स्टॉक्स वहाँ पर सेलेक्ट करा, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ स्टॉक्स में और कैसे हमने उसे एग्जीक्यूट करने की प्रैक्टिस करी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स पे कल ट्रेड कर सकते हो। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड मत करना जब तक मार्केट का सिनेरियो नहीं बदलता। आपने देखा ना कि मार्केट गैप डाउन खोली, उसके बाद ऊपर गई, पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, इस तरीके से वर्क करते रहा। करना क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि HDFC बहुत बढ़िया स्टॉक है, HDFC आउट परफॉर्म कर सकता है, बैंक निफ्टी नीचे गिर सकता है एंड ऑब्वियसली वो नीचे भी गिरा था, 400-500 पॉइंट्स तक नीचे गिरा था। एग्जैक्टली उसी लेवल पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको बोला था रिवर्सल इज कमिंग। एग्जैक्ट 15 मिनट बाद हम देखते हैं 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। सो गाइस, ये एनालिसिस कैसे होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या लॉजिक बिहाइंड है, क्या साइकोलॉजी यूज होती है, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो प्लीज वॉच इट टिल दी एंड और आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं, सबसे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, आपको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है, मैं अब दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक हो चुका है। सपोर्ट लाइन, ट्रेंड और बेसिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये सब हम बनाना सीख चुके हैं अपनी आने वाली प्रीवियस वीडियोज पे पहले से। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे हम लोगों ने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, तो पता चला एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है और एग्जैक्टली अपने बेस पे, एग्जैक्टली अपने राइजिंग चैनल के सपोर्ट लाइन पे इसने एक बुलिश हैमर कैंडल बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए बाय का एक मौका जो है, मतलब जो हम जिसके बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो पहला पॉइंट हमारे बाय साइड में आता है बिकॉज एक सपोर्ट पे भी है और एक सपोर्ट पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जैसे हम लोग कह रहे हैं बुलिश हैमर। अब दूसरी चीज़, अब इसी पर्टिकुलर चैनल के अंदर एक छोटा सा चैनल और बना है जो कि एक डाउन ट्रेंड चैनल है। ठीक है, इसी एग्जैक्टली इसी चैनल के अंदर भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसने अपने सपोर्ट पे एक हैमर ड्रॉ करा है। देख रहे हैं, ये चैनल पे भी अपने सपोर्ट पे है, तो एग्जैक्टली ये जो बेस है ना, ये छोटा सा जो बेस है, ये वाला बेस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर ये स्टॉक अभी एक्ट कर रहा है। इसके नीचे अगर जाएगा तो एक पैनिक सेलिंग इसके अंदर आ सकती है, बट ये बेस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके नीचे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, ये एक शार्प इम्पल्स मूव आई, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को बोलते हैं हम लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न मतलब एक इम्पल्स मूव के बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना, फिर एक ब्रेकआउट देना, तो जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट यानी कि अपसाइड और ब्रेकडाउन यानी कि फॉल की, हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट की है, क्योंकि एग्जैक्टली सारे चैनल्स जो राइजिंग चैनल और डाउन ट्रेंड चैनल है दोनों एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे हैं। इसके अलावा एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना जो अपने सपोर्ट पे है। दिस चौथी चीज, फ्लैग एंड पोल के जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो ब्रेकआउट या अपसाइड ही होती है, तो आई थिंक यहाँ पर एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल सकता है यहाँ पर बाय करने का। अब बात करते हैं कि बाय कहाँ पर करना है, तो सबसे पहले टारगेट एंड स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, सबसे पहला टारगेट यही होगा जो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का है, बट मुझे लगता है ये दोबारा अपने एग्जैक्टली इसी लेवल तक भी जा सकता है, बहुत ईजिली जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। स्टॉप लॉस मैं रखूंगा इसी लेवल के नीचे, ये वाला आप कैंडल देख रहे हैं, इसी एग्जैक्टली कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, तो ऑलमोस्ट 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है।
ठीक है, अब एंट्री कहां पर करनी है? अगर आप देख रहे होंगे मैंने एक येलो कलर का जोन क्रिएट कर रखा है, एग्जैक्टली येलो कलर का जोन मुझे बता रहा है कि इसके नीचे बहुत टाइम तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, बट यहां पर हम लोगों को 2 दिन तक लगातार क्लोजिंग देखने को मिली है। अब ये इसके लिए एक हर्डल का काम कर सकता है जो कि लेवल आ रहा है 910 रुपीज का। एग्जैक्टली अभी प्राइस चल रहा है 906 रुपीज। सो अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है 910 के ऊपर तो हम लोग अपना एक बाइंग सेटअप बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1000 रुपीज विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 875 रुपीज का। ठीक है, सो अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की। सो हमारा सेकेंड स्टॉक है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी बता रखा है तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ये देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल के अंदर ये भी स्टॉक काम कर रहा है, एक बुलिश ट्रेंड है स्टॉक के अंदर। इसके अलावा जब भी ये एक बुलिश अप मूव के बाद रिट्रेसमेंट लेता है तो एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है और वहां से फिर एक अप मूव स्टार्ट करता है, एक जर्नी स्टार्ट होती है। और तीसरी चीज हम लोगों ने देखी है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तीसरी चीज हम लोगों ने देखी है जब भी ये अपने सपोर्ट लेवल पे आता है, ये राइजिंग चैनल के जब भी सपोर्ट लेवल पे आता है उसके ऊपर कोई भी हर्डल हो, फॉर एग्जाम्पल ये हर्डल है, ठीक है, ये वाला एक हर्डल है, इसके ऊपर जो भी हर्डल होगा उस हर्डल के ऊपर ब्रेकआउट तुरंत दे देता है। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर सपोर्ट पे आया, ये मल्टीपल हर्डल्स थे इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और एक शार्प मूव आ गई। तो ये जो पहले कंटिन्यूसली चलता आ रहा है वो एग्जैक्टली अभी भी कंटिन्यू रहेगा जब तक कुछ एक ऐसा चेंज नहीं आता जहां पर हम लोग अपना लॉस बुक करें। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली अपने सपोर्ट को इसने रीटेस्ट करा, ऊपर जा रहा है, ये एक हर्डल है, इस हर्डल को ये ब्रेकआउट दे देगा। अभी हम लोगों को आप देख रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पर मैंने बाइंग बना रखी है, कैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस पे कहा था कि आप लोग 72 पे एक बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी बाइंग नहीं कर रखा तो इसको करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, अगर 72 पे आता है तो भी और एड क्वान्टिटीज कर सकते हैं। ये स्टॉक अच्छा है, थोड़ी सी मार्केट वॉलेटाइल होती है तो ये इस पर एक पैनिक सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, बट ये 1-2 दिन के अंदर पूरा रिकवर कर जाता है। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह दी जाएगी आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। पहला टारगेट तो 80 रुपीज़ का है जो राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अगर इसका भी ब्रेकआउट देने के चांसेस मुझे हायर लग रहे हैं और ये स्टॉक 100 रुपये या 110 रुपये तक भी आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर जा सकता है, इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। सो गाइज हमारा थर्ड स्टॉक है NTPC। NTPC पे भी सेम स्ट्रक्चर है, एक राइजिंग चैनल के एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर ये राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस पे है तो आप बाय के लिए क्यों कह रहे हो, रेजिस्टेंस पे है तो हम लोगों को शॉर्ट करना चाहिए, सपोर्ट लाइन पे आएगा तो लॉन्ग करेंगे। इसी तरीके से तो चैनल काम करता है कि अगर ये रेजिस्टेंस पे आता है तो हम शॉर्ट करते हैं, सपोर्ट पे आता है तो लॉन्ग करते हैं। बट अब आप क्यों बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस पे बाय करो? देखिए इसके पीछे के भी मल्टीपल लॉजिक और रीजंस हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात आप देख रहे होंगे मैंने 2 जोन्स क्रिएट करे हुए हैं, एक तो ये सप्लाई जोन हो गया, डिमांड जोन हो गया और ये सप्लाई हो गया। सप्लाई हमेशा टॉप पे बनता है और डिमांड हमेशा बॉटम पे बनता है। डिमांड जोन का मतलब होता है कि यहाँ से स्टॉक पे बाइंग आ सकती है, सप्लाई जोन का मतलब होता है वहां से स्टॉक पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। फर्स्ट टाइम सेलिंग प्रेशर आया एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे स्टॉक नीचे आ गया, दूसरी बार आया स्टॉक नीचे आ गया, तीसरी बार थर्ड टाइम द चार्म जिसकी हम बात करते हैं, इसने एक ब्रेकआउट दिया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया एंड अपने पर्टिकुलर सप्लाई जोन के ऊपर चला गया। अब आप देख रहे होंगे ये मल्टीपल टाइम से एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, एक चैनल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के बाद जो पहले सप्लाई जोन हुआ करता था ना एग्जैक्टली उस सप्लाई जोन पे रीटेस्ट करके बाउंस करा और उसी सप्लाई जोन को इसने डिमांड जोन बना लिया। अब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर ये इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि ये जो राइजिंग चैनल है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है। क्या सर इसी के बेसिस पे आपने ट्रेड सजेस्ट करा है? नहीं, एक रीजन और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो रीजन क्या है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूं आप लोगों के लिए। जब मैंने जूम करा तो आपको मेरे हिसाब से अब तक तो पैटर्न दिख गया होगा जो मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बताते हुए आ रहा हूँ, और इस पैटर्न पे मैंने अपनी 3 वीडियोस बना दी, मतलब ऑलमोस्ट मैं एक वीडियो पे 3 स्टॉक्स बताता था तो मेरी ऐसी 3 वीडियो मैंने 9 स्टॉक्स इसी पैटर्न के ऊपर बताया। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इस पैटर्न को कहते हैं हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न। गाइस हेड एंड शोल्डर ये इसका एक शोल्डर है जिसे हम लोग लेफ्ट शोल्डर बोल रहे हैं, ये हमारा एक हेड है एंड एग्जैक्टली ये हमारा राइट शोल्डर है। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं एग्जैक्टली अपने इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं इट गिव अ रीटेस्ट एंड यहां पर दोबारा अप मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आता है,
एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, एक जो चैनल ऑलरेडी राइजिंग चैनल के अंदर डेवलप्ड है उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। सो देर इज अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि जो राइजिंग चैनल है ना उसका भी ब्रेकआउट आने वाले टाइम पे दे देगा। अब बात करते हैं सर टारगेट, टारगेट क्या होगा इसका। तो देखिए हेड एंड शोल्डर का टारगेट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे पता लगाते हैं। जो राइट शोल्डर है ना, राइट शोल्डर का जो बॉटम है और जो टॉप है उसको ले लो और वही आप ब्रेकआउट के ऊपर लगा दो। तो आई थिंक यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं तो टारगेट 132 रुपीज़ का है, ठीक है। तो 132 रुपीज़ का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। अब सर बाइंग कहाँ पर करनी है और स्टॉप लॉस कहाँ पर पुट करना है। देखिए मेरे हिसाब से हमें बाइंग करनी है इस लेवल के ऊपर, स्टॉप लॉस हम लोग इस लेवल से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, बट स्टॉप लॉस ना थोड़ा सा डीप होना चाहिए, मैं बहुत कम दे रहा हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर कम क्वांटिटीज पे ट्रेड करिएगा। यस मल्टीपल पैटर्न्स के ब्रेकआउट आ चुके हैं, किसी के आने बाकी है, बट ये याद रखिएगा किसी के आने बाकी हैं, आई नहीं है। तो यहाँ पर वी हैव टू बिट कॉशियस, तो इसलिए क्वांटिटीज कम रखिएगा, स्टॉप लॉस कम रखे एंड मेंटेन करते करते जो मैंने आपको सिखाया अपनी प्रीवियस वीडियो पे, क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करिए क्वांटिटीज को ऊपर ऊपर जैसे स्टॉक जा रहा है एग्जिट करिए, ठीक है। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेंज क्रिएट करी हुई है। ये रेंज हमें बता रही है येलो कलर की कि इसके ऊपर आता है, इसके आसपास आता है तो एक सेलिंग और एक टैनिक सेलिंग आ जाती है। एक बार ये कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट करी थी और क्लोज करी थी, बट दोबारा एक पैनिक सेलिंग आ गई थी। आज के ट्रेडिंग सेशन पे भी एक कैंडल ऊपर क्लोज करी और दोबारा पैनिक सेलिंग आ सकती थी पर मार्केट ऑफ हो गई। तो अब करें क्या सर, कौन सी कैंडल क्लोज होने पे हम लोग बाय करें। हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने पे ही बाय करना है, बट जब 15 मिनट की कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज होगी, सो हमें 124 के ऊपर बाय करना है जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी और हमारे टारगेट होंगे 132 रुपीस के। आई होप आप लोगों को ये स्टॉक भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, हमने तीन स्टॉक्स की बात कर ली, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स लिए। निफ्टी पे भी एक पैटर्न बन रहा था बट बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा अपसाइड और ह्यूज अपसाइड मुझे लग रही थी पॉइंट्स वाइज, तो वो मैंने आपको सजेस्ट करा। चलिए बात करते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन करा हुआ है एंड एग्जैक्टली इस पे क्यों रिवर्सल आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं हैं तो आप लोग बहुत सारी पर्टिकुलर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स को मिस कर रहे हैं गाइस। आज हम लोग ने ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के अंदर 700 to 600 पॉइंट्स अर्न करे हैं, कैसे वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा एक राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज के अंदर ये पर्टिकुलर इंडेक्स था, इसके बाद क्या हुआ इसने राइजिंग वेज का एक ब्रेकआउट दिया जो कि 3rd of September को दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ रीटेस्ट और एक नया हाई क्रिएट करा, अब दोबारा नीचे आया, इट गेव अ रीटेस्ट, देख रहे हैं इसने बहुत बढ़िया रीटेस्ट दिया एग्जैक्टली एट दिस लेवल और यहाँ से फिर एक शार्प अप मूव आना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि अब एक रिवर्सल आ गया है। इसके अलावा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं किस तरीके से इसने एग्जैक्टली इस लेवल पे एक बेस क्रिएट करा और यहाँ से एक अप मूव। दूसरी चीज, इस लेवल पे हम लोगों ने बोला था, जो मुझे पता था मैंने किसी को सजेस्ट नहीं करा था ये पर्टिकुलर चीज़, या आप देख रहे हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। देखिए ये मेरे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे उन लोगों ने मुझे ये भेजा था, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। आई थिंक यही है, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, एग्जैक्टली इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और इसी लेवल पे ये जब टाइम पे ब्रेकआउट हुआ है एग्जैक्टली उसी टाइम पे मैंने बोला कि बैंक निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल आ गया है, आने वाला है 5-10 मिनट के अंदर, आप बाय करिए। सो अब पहले बात करते हैं, हमने तो पता लगा लिया कि हम लोगों को बाय कर लेना चाहिए, तब बहुत लोगों ने पैसा कमाया, मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे, बहुत लोगों ने मिस भी करा। देखिए पूरे दिन में एक भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो आप लोगों के लिए फायदा ही है, तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे तो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर कर सकते हैं। मैं बहुत नए अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत नॉलेजेबल फैक्ट्स लेकर आ रहा हूँ जो आपको इन एक्चुअल पे वर्क करेगी और आपको एक्चुअल में कुछ सीखने को मिलेगा। अब शिवान सर बात करते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए एक बात तो हम समझ गए हैं, चाहे बॉटम से रिकवरी आई हो या नहीं आई हो, यहाँ पर अभी भी कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा है, एक लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें बाइंग कहाँ करनी है, मेरे लिए जो बाइंग होगी या तो बाय ऑन डिप्स होगी या तो यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट करे और ऊपर जाए।
अदरवाइज जो मेरे लिए बाइंग बन सकती है वो बन सकती है जब ये इस जोन के ऊपर जाए, जो ये इसका लोअर लो था ना, ये जो पुल बैक दिया था इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मेरे लिए बाइंग सेटअप नहीं होगा। क्या शिवान सर इसी के ऊपर जाते ही बाय कर सकते हैं? देखिए यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग बहुत क्वांटिटी मतलब एक लॉट में काम कर सकते हैं, एक लॉट में बाय कर सकते हैं। जब ये रिट्रेसमेंट लेने आएगा ना, क्योंकि भाई इतनी बड़ी अपमूव दे रहा है तो एक छोटा सा तो रिट्रेसमेंट लेगा, उस रिट्रेसमेंट पे हम लोग अपनी और लॉट्स को ऐड कर सकते हैं। सो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बाय तब है जब इसके ऊपर निकलेगा, वो कन्फर्मेशन है। अदरवाइज ये नीचे आने दो और नीचे कहीं रिवर्सल दिखे तो बाय करना है, ठीक है। अभी ये कंटिन्यूसली लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि यहाँ से दोबारा नीचे जा सकता है और अपना ये वाला लो भी ब्रेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कंटिन्यूसली इट्स मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ठीक है। सो आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, शॉर्ट करना नहीं है, लॉन्ग जाना है, बट लॉन्ग कब जाना है, डिप्स पे जाना है, अदरवाइज आप लोगों को ब्रेकआउट पे जाना है। शॉर्ट तो करना ही नहीं है, वो तो मैंने आपको खुद ही बताया था कि मार्केट बुल रन में है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। बट याद रखना जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आपको स्टॉक की साइकोलॉजी को एडवांस लर्निंग सीखने के लिए आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए, जो मेरी इससे परसों मैंने जो वीडियो बनाई है उसको जरूर जाके देखिएगा गाइस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट पे चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि निफ्टी तो समझ में आ गया, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, तो एक बार बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। सो मैंने बैंक निफ्टी का ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, एंड यहाँ पर भी एक बार बात करते हैं। सो आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, सारे रेजिस्टेंस को मिला के जब मैंने एक्सटेंड करी तो यहाँ पर मुझे एक बेस दिखा। क्या यही रीजन है बाय करने का? क्या सर यही रीजन पे आपने मुझे यहाँ पर हम लोगों को सजेस्ट करा था? नहीं, चेक करिएगा, मैंने आपको बोला था जब स्टॉक ये लो है, हल्का सा अप मूव दी और ये नीचे आया, ये जो कैंडल दिख रहे हैं ना, ये वाली जो बुलिश कैंडल ग्रीन दिख रहे हैं, जब ये आधी बनी थी ना इसी लेवल पे मैंने आपको बोल दिया था 36,730 पे कि रिवर्सल आ चुका है और आने वाला है। टेलीग्राम खोल के देखिएगा आपको पता चल जाएगा। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं 36,700 से 37,300 तक स्टॉक चले जाता है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रैली हम लोगों को बैंक निफ्टी प्रोवाइड करवाता है। कैसे पता लगाया सर आपने? अब आप देखिएगा सर, आप पूरे दिन एनालिसिस करते होगे, आप पूरे दिन मार्केट के अंदर रहते होगे। नहीं, मैं मार्केट को अगर मैं बताऊं तो आज पूरे दिन में मार्केट मैंने पूरे 6 घंटे मार्केट ओपन हुई है, तो मैंने 6 घंटे में से मार्केट को सिर्फ आधा घंटा देखा होगा, सिर्फ आधा घंटा। मेरे को पता है शुरुआत में मुझे करना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल वाली वीडियो पे कहा था कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी, हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या होता है, नो ट्रेडिंग डे का, कि वो शुरुआत पे जो मूवमेंट होने वाली है ना उससे हमें बचना है। बहुत लोग उससे भी पैसा कमा लेते हैं, हमें नहीं कमाना। उसके बाद जब वो टाइम चला गया, वो टाइम बीत गया, 12 बजे के बाद जब मार्केट स्टेबल हुई या एक परफॉर्मेंस पे आई, मैंने देखा, मेरे को लगा कि यार ये बेस है। अब समझिएगा कि मैंने दिया क्यों ये स्टॉक, ये बॉटम है, ये टॉप है, फिबोनाची बनाया तो एग्जैक्टली 88.6% रिट्रेसमेंट पे एक रिवर्सल आया। अब यहाँ जो पैटर्न बना, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक पैटर्न, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज द बॉटम, दिस इज द टॉप, एक्स ए बी सी एंड दैट इज टी। तो ये एक पैटर्न बनाता है, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे हम लोग आपको हमेशा बताते हैं कि फिबोनाची पे कोई भी रिट्रेसमेंट पे, कोई भी रेशियो पे अगर हम लोग बाइंग देखते हैं तो हमें एंट्री कहाँ लेनी होती है, उसके एग्जैक्टली ऊपर वाले रिट्रेसमेंट को जब ब्रेकआउट देता है। ये 88 है, ये 78 है, हमें 78 के ऊपर बाय करना है। जब हमने देखा कि 78 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया बट कैंडल बहुत ऊपर बनी है, तो हम लोगों ने पेशेंसली वेट करा, जैसे ही नीचे आके इसी लेवल से रिवर्सल देने लगा हम लोगों ने बाय कर लिया, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी, ये पैटर्न्स के बेसिस पे आज मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का एक ट्रेड प्रोवाइड करवाया था। एक छोटा सा रीजन और था, वो मैं दिखा देता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब आप देख रहे होंगे कर क्या रहा है, ये कंटिन्यूसली इट्स मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। आप देखिएगा ये इसका एक लो था, ये इसका एक लो है बैंक निफ्टी का, ठीक है। मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, ये बैंक निफ्टी का लो है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया अब नीचे आया। अगर ये इसके नीचे चले जाता ना तो फिर बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता, बट भाई हमें 1 मिनट में बियरिश ट्रेंड कोई नहीं देता, कोई मार्केट हमें बताती नहीं कि अब मैं आपको दे रहा हूँ, हमें समझना पड़ता है।
तो मेरे को 110% श्योरिटी थी कि भाई यहाँ तो बेस क्रिएट करके एक बार तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये नहीं कि यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आएगा। एंड वही हुआ एग्जैक्टली, हम लोगों ने बॉटम पे पकड़ा एंड टॉप पे हम लोगों ने एग्जिट करा। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मैंने अभी भी होल्ड करा हुआ है बैंक निफ्टी का ट्रेड, आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड जो हम लोगों ने 36,730 पे बाय कर रखा है। आप देख सकते हैं ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अपने यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया नीचे आया, सपोर्ट लिया ऊपर जाएगा। तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मार्केट ऊपर है, मैंने आपको बताया था बुल रन है तो मार्केट ऊपर रही। सो यही थी गाइज हमारी एनालिसिस। ऑप्शन डाटा FIR डाटा को नहीं देखते, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा जितने भी कॉल राइटर्स थे शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में वो लोग एग्जिट कर गए और एक नीचे बेस बन चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी गाइज एनालिसिस, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। दिस होल वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी सुनी है तो थैंक यू गाइज सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।